में मेरे प्रिय भाई बहनों सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ बताने जा रहा हूं जिनको मसीह भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रखते हैं मेरे प्रियो। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे प्रियो, आज हमें ये जानना बहुत जरूरी है। कई ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो इन शब्दों का अर्थ अभी तक नहीं समझते, खासकर जो नए मसीह भाई बहन हैं जिन्होंने अभी अभी उद्धार पाया है, उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वो जाने इन शब्दों को। मेरे प्रियो, बाइबल में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका ट्रांसलेट नहीं किया गया, बल्कि उनकी लिपि तो बदली गई है लेकिन शब्द और उच्चारण अलग भाषा से होती है मेरे प्रियो। जैसे कि अल्फा और ओमेगा, हालेलुया, आमीन और कुछ ऐसे और शब्द हैं जिनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम उन शब्दों को बारे में जानते हैं। मेरे प्रियो, अल्फा और ओमेगा ये परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया। परमेश्वर को अल्फा और ओमेगा कहा गया है, यानी कि पहला और अंतिम, वही आदि है, वही अंत है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया और इसे ग्रीक भाषा से लिया गया है मेरे प्रियो। इसके बाद जब हम हालेलुया के बारे में देखते हैं तो मेरे प्रियो, हालेलुया ये शब्द मसीही भाई बहन के लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, हालेलुया शब्द ये इब्रानी भाषा से लिया गया है, हिब्रू भाषा से लिया गया है, जिसे ट्रांसलेट नहीं किया गया। प्रेज द लॉर्ड। ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो, खासकर जो अभी अभी उद्धार पाए हैं। यदि आप दिन भर हालेलुया ही बोलोगे, प्रभु आपको आशीष देगा। इन शब्दों में परमेश्वर की सामर्थ है, इन शब्दों में परमेश्वर की, इन शब्दों से परमेश्वर की महिमा होती है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जब हम आमीन के बारे में देखते हैं तो आमीन एक ऐसा शब्द है जिसके बिना प्रार्थना अधूरी कही जाती है, जिसके बिना मसीही भाई बहन अधूरे माने जाते हैं। और इस शब्द का उपयोग मुस्लिम, यहूदी और मसीही प्रिय भाई बहन करते हैं मेरे प्रियो। जब कोई संगति होती है, जब प्रार्थना होती है और जब कोई एक अगुवाई करता है, उनके साथ साथ कई लोग जो होते हैं उनकी सहायता करते हैं, उनके सहमत होते हैं। आमीन एक ऐसा शब्द है जिसके बिना प्रार्थनाएं, मीटिंग्स और कई सभाएं अधूरी होती है। और इस आमीन का शब्द का उपयोग हिब्रू भाषा से लिया गया है जिसका कोई ट्रांसलेट नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम आमीन के बारे में देखते हैं तो आमीन का मतलब होता है तथास्तु, ऐसा ही हो। मेरे प्रियो, जब कोई प्रार्थना करता है या कोई सभा होती है, उसमें जो अगुवाई करने वाला होता है, उनके साथ साथ जो प्रिय भाई बहन होते हैं, उनकी सम्मति में सभी प्रार्थना में सहमत होते हैं और प्रार्थना करते हैं, और जब तक ये आमीन ना हो तब तक प्रार्थना अधूरी मानी जाती है। जब कोई अगुवाई करता है, प्रार्थना करता है और जब उसकी प्रार्थना समाप्त हो जाती है तो अंत में वो आमीन करके परमेश्वर की महिमा करता है। कहने का मतलब यह है कि उसने जो भी प्रार्थना की है उसके लिए ऐसा ही हो, मेरे लिए ऐसा ही हो। प्रिय भाई बहन, इन शब्दों का अर्थ नहीं जानते हैं, कई बार फोन कॉल में पूछते हैं जो मसीह भाई बहन अभी अभी उद्धार पाए हैं, उन्होंने कई बार पूछा है। इसलिए मैं आपको ये शब्दों के बारे में बता रहा हूं, आप इन शब्दों का अर्थ को जरूर समझें। अल्फा और ओमेगा परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया, जो आदि और अंत है, पहला और अंतिम है।
हालेलुया यानी कि प्रभु की स्तुति हो, प्रभु मसीह की महिमा हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया 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 आमीन। आमीन के बिना प्रार्थनाएं अधूरी है, मसीही प्रिय भाई बहन अधूरे हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं, और यदि आमीन नहीं कही जाए तो प्रार्थना अधूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, और आपने जो प्रार्थना में मांगा है और यदि आमीन कहा तो आपके लिए ऐसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।